चिन्हों के नियम, जोड़ना का नियम सबसे पहले हम पढ़ेंगे। जोड़ना के नियम में होता यह है कि हम बिल्कुल साधारण भाषा में समझेंगे इसको, समान चिन्हों में जोड़ना होता है और चिन्ह वही रहता है। समान चिन्हों में जोड़ना होता है और चिन्ह वही रहता है। इसका मतलब यह है कि यदि हम दोनों संख्याएं धनात्मक ले रहे हैं तो उसमें जो उत्तर हमारा होगा उसमें धन का चिन्ह ही आएगा, और अगर ऋणात्मक हैं दोनों संख्याएं तो ऋण का ही आएगा, क्योंकि समान चिन्ह में क्या है, धन और ऋण। अगर धन धन है तो समान हो गए, ऋण और ऋण है तो भी समान हो गए। अब इसका उदाहरण हम लेते हैं, जैसे धन दो धन तीन बराबर हम लिखेंगे धन पाँच। हाँ, लेकिन इसमें ये आगे वाली संख्या में धन लगाना ज़रूरी नहीं है, ये समझाने के लिए है। किसी संख्या में यदि कोई निशान नहीं है तो वो संख्या धनात्मक होती है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं ऋण वाला, ऋण चार और ऋण दो, ये भी देखो समान है, ये धन धन है तो भी समान, ऋण और ऋण ये दोनों समान है तो हो गया इसका आंसर ऋण छः। इस प्रकार से ये जोड़ना का नियम है, चाहे धन हो चाहे ऋण हो लेकिन हमें जोड़ना ही है अगर वो समान है तब। दूसरा नंबर है घटाना का नियम, इसका ठीक विपरीत करेंगे। समान चिन्हों में जोड़ना होता है और चिन्ह वही रहता है, तो इसमें असमान चिन्हों में घटाना होता है। असमान चिन्हों में घटाना होता है और चिन्ह बड़ी संख्या का लिया जाता है ये हमारा घटाने का नियम हो गया। असमान चिन्हों में घटाना होता है और चिन्ह बड़ी संख्या का लिया जाता है। जो संख्या बड़ी होगी हम उसका चिन्ह आंसर में लिखेंगे, जैसे ये तीन हो गई, ये इसको हम ऋणात्मक ले लेते हैं, और धन पाँच, तो पाँच बड़ी है तीन छोटी है लेकिन चिन्ह अलग अलग होने के कारण ये हो गए हमारे असमान और इसमें घटाना होगा, तो पाँच में से तीन को हम घटा देंगे तो कितना आएगा दो। अब दूसरा उदाहरण इसी का, अब हम पाँच को ऋणात्मक कर देंगे, तीन, यदि ये इसके सामने कोई निशान नहीं है तो ये धन का माना जाएगा और ऋण पाँच, तो अब की बार पाँच बड़ी संख्या हो गई है तो चिन्ह ऋण का लिखेंगे और पाँच में से तीन को वैसे भी हमें घटाना है तो इसका आएगा अब की बार ऋण दो। एक और उदाहरण देखते हैं हम, ऋण सात धन चार, इसमें क्या होगा, सात बड़ी संख्या है चिन्ह ऋण का है तो इसका चिन्ह हम आंसर में लिखें, क्योंकि हमें बड़ी संख्या का चिन्ह लेना है और असमान चिन्ह है तो घटाना होगा, तो सात में से चार को हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारा घटा के तीन। ऐसे हमारा ये घटाना का नियम भी हो गया।